इन्होंने विजय नायर के घर पे एक महीने में दो दो बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। आज किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए किस तरह से आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलवाएं, पर इन्हें उसकी कोई परवाही नहीं है। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, इनको बस यही एक काम बचा है। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग, उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे एक महीने में दो दो बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सतेंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्ला को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे। देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार हैं।